जिलाधिकारी पद से मुक्त होने के बाद रविंद्र ठाकरे ने आदिवासी विभाग के अपर आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा कि अति दुर्गम भागों में रहने वाले आदिवासी बांधवों तक विभाग के प्रत्यक्ष लाभ की योजना पहुंचाने के साथ ही उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास उनकी प्राथमिकता होगी। ठाकरे ने अमरावती रोड स्थित आदिवासी विकास भवन स्थित कार्यालय में अपर आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उपायुक्त दशरथ कुलमेथे, सहायक आयुक्त ननय कामले व विलास सावले उपस्थित थे। इससे पहले ठाकरे जिलाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया। उसके बाद कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए पुरजोर तरीके से कार्य किया और जिले में महामारी नियंत्रण में सफलता हासिल की। उनके साथ ही कार्यकाल में मदर डेयरी के माध्यम से किसानों से दूध संकलन शुरू हुआ, जिसे अच्छा प्रतिसाद मिला। किसानों को पूरक व्यवसाय मिला और विदर्भ भर से रोज मदर डेयरी के माध्यम से 2 लाख लीटर दूध संकलित किया जा रहा है। पहली बार विदर्भ में मुंबई और दिल्ली के लिए दूध भेजने की शुरुआत हुई है।